ये बटरफ्लाई बीच एक नंबर भाई, पानी इतना क्लीन है ना। प्योर ऑफ रोड भाई, प्योर। किती किलोमीटर झाले असेल? 1.8 किलोमीटर्स का प्योर ऑफ रोड बटरफ्लाई बीच के लिए। एक्चुअली यहाँ पे बीच में से ही लेफ्ट कटता है, बहुत छोटा सा ऐसा उसका नाम लिखा है डायरेक्शन दिखाने के लिए। हम लोग भी गलत आगे ही गए थे, बट फिर पीछे आके ये रास्ता ले लिया। गाड़ी हम लोग ने लगा ली यहाँ पे, ऐसी कुछ है यहाँ की पार्किंग। और अभी यहाँ से 1.5 किलोमीटर का ट्रैक, मतलब 1.5 किलोमीटर अपन को चलना पड़ेगा। चलते अभी, बाकी के लोग आगे गए, अपन पीछे से जा रहे हैं। सो चलते चलते ऑलमोस्ट 500 मीटर के ऊपर हो चुका है। 1.5 किलोमीटर का मतलब ट्रैक नहीं बोल सकते, नॉर्मल वॉक है। और 500 मीटर हो चुके हैं और 1 किलोमीटर, और मैं भूल गया था, मैंने सुबह में इंट्रो ही नहीं लिया। तो गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू योर चैनल। कैसे सगले मजे ना? आई होप एवरीवन इज डूइंग जस्ट ग्रेट। अभी टाइम हो रहा है ऑलमोस्ट कितने बज रहे, 11:45। धूप बहुत है यहाँ पे, क्लाइमेट ह्यूमिड है ना, इसलिए अली बहुत गर्म हो रहा है। गर्म होता क्या? नहीं देव, उधर ला तो ठंडा वाटत असेल। बहुत गलत टाइम पे आए हम, आना चाहिए था। पर हमारे अंदर ही थोड़ा चूल था। हाय देवधर, याचा ती दो लेसी लावले माहिती आहे घरात। हाय 800 मीटर असेल अजून। किती आहे रे? 600। जंगल ही जंगल है, जंगल में मंगल है। मंगल नहीं पण एक आहे, समझ रहे हो? समझ रहे हो? जंगल मध्ये एक आहे, बोलू नाही शकत, कॅमेरा चालू आहे म्हणून, पण कॅमेरा मध्ये मी दाखवू शकतो। कॅमेरा तो नाही, एक आहे अजा जंगल मध्ये एक आहे पण। दमला दमला अजिंक्य दमला मिनिट नाही दमला सर, त्याच्याच फालतुगिरीमुळे आपण इथं चालतोय। लाज नाही वाटत का असं सगळ्या धंद्याला लावून? खोपडी तोड, खोपडी तोड झाले। सो यहाँ पे आई थिंक एंड है, वहाँ पे स्कूटीज लगे, पूरा ऑफ रोड है, स्कूटीज आ सकते है। और इनकी थार चल रही है आई गेस, जो पैसेंजर्स के लिए, बट स्कूटीज आ सकते पूरा यहाँ तक। और आगे यहाँ से 5 मिनट पर अपना बटरफ्लाई बीच, इसका बटरफ्लाई बीच, इसमें एक को बटरफ्लाई बनना है, भोंगे का बटरफ्लाई बीच, कडू बाबा का बटरफ्लाई बीच। क्या बोला? उसमें एक को बटरफ्लाई बनाना है। सो पार्किंग से सीधा चलने के बाद, पहले तो बड़े रोड से, अभी ये सिर्फ वॉकेबल रोड है, मतलब एक ही बंदा चल सकता है एट अ टाइम। और पूरा अभी ट्रैक टाइप लग रहा है, अभी तो डिसेंट है, ठीक है, जब टर्निंग चालू होगा तभी मजा आएगा। बहुत मजा आएगा, लगता है ये पागल हो गया। ट्रैक कर से थोड़ा आवाज का मजा आएगा। मिया बीबी आगे, क्या बोला तूने? बच्चे भी। अरे हो बरोबर, पैसे त्याच्याकडे। दुसरी आई तिथं लोकेशन आहे, एक्सपेन्स तो करते आपण पोरच। पप्पा मला खायला पाहिजे, बडा हरामी हो बेटा। पप्पा मला देवधर चढायचं चढू का? सो वहाँ कैसे तो हम लोग आए, वहाँ से आए हम लोग, और व्यू चेक करो यार। बहुत क्लीन पानी, बहुत, मतलब अभी तक जितना भी मैंने गोवा में देखा उसमें से पहला ऐसा मैं पानी, ऐसा ब्लूइश पानी देख रहा हूँ, तो बाकी तो नॉर्मल ही थे। बहुत सही भाई, बहुत सही, बहुत सही व्यू।
तो अभी वो वहाँ पे भी गए थे, उससे आप भी अपने पहले वाले शॉट देखे थे ना, वो वहाँ से लिए। पूरा बीच का व्यू एक नंबर आ रहा है, बीच एक नंबर है। ज़्यादा टूरिस्ट यहाँ पे आते नहीं हैं, अभी बहुत कम है, शायद सीजन में आते रहेंगे। बट मस्ट विजिट प्लेस है बटरफ्लाई बीच, एक नंबर भाई। पानी इतना क्लीन है ना, फिर भी कोई लोग रहते ना, ये देखो बॉटल्स वगैरह डालते, उनको तो अक्ल आएगी नहीं। बट प्लीज़ यार, ऐसी जगहों पर आके गंद मत मचाओ यार, प्लीज़। बाकी व्यू एक नंबर, पैसा वसूल। 100 रुपीज़ कुछ तो इसका एंट्री चार्ज है यहाँ पे, 100 रुपीज़ पर पर्सन आई गेस। हाँ नहीं, 100 रुपीज़ पर पर्सन नहीं, पर्सन का चार्ज नहीं, सिर्फ पार्किंग चार्ज है। सो बॉयज ये चेक करो, अभी हम लोग आ चुके हैं गाड़ी में। गाड़ी पूरी से भट्टी भरी है, पूरे एयर ब्लोअर्स की आपको आवाज़ आता रहेगा, कम करता हूँ तो आपको सुनाई नहीं देगा। बहुत मज़ा आया बहुत। बट जो वॉक है ना, 3 किलोमीटर का अप एंड डाउन 3 किलोमीटर का वॉक है, वो बैंड बजा देता है भाई, वो बैंड। और ट्रेक नहीं है, सिंपल वॉक है, थोड़ा हल्का फुल्का सा चढ़ो उतरो है। बट गर्मी एग्जॉस्ट हो जाती है बॉडी, बट वर्थ है आना। बटरफ्लाई बीच फर्स्ट टाइम आया हूँ मैं, बहुत 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 मज़ा आया। अभी गाड़ी निकल रहे भाई लोग, वहाँ पे रुके शेड में, सीधा अभी जाएंगे अपन नॉर्थ गोवा। मॉर्जिम बीच, बागा बीच रुकने का प्लान था, बट सनसेट देखना था, और होटल भी हम लोग ने मॉर्जिम बीच में लिया है। सो हम लोग मॉर्जिम बीच आ गए डायरेक्ट, बागा बीच अभी हम लोग जाएंगे, वहाँ की नाइट लाइफ, टिटोज लेन वगैरह वो सब घूमने के लिए। बट एक आपको चीज़ चेक करता हूँ, वो चेक करो आप, और आप बताओ आपको कैसा लग रहा है, कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना। विंड ब्लास्ट बहुत यहाँ पे ज़्यादा है, तो मेरी आवाज़ आ रही होगी नहीं होगी वो मुझे पता नहीं, बट एक आपको व्यू दिखाता हूँ यार अभी। सो हियर इज द व्यू, ये सनसेट आ रहा है यहाँ से कुछ तो, क्या ताबड़तोड़ सनसेट है यार, एक नंबर एक नंबर। और यहाँ पे पानी आ रहा है मेरा पीछा करते हुए, बहुत सही यार, बहुत सही सनसेट। ये सनसेट ही हम लोग कैप्चर करने के लिए आए। अभी अच्छी खासी ठीक ठाक भीड़ है यहाँ पे मॉर्जिन बीच पे, शैक्स ये रहे, शैक्स पूरे के पूरे लाइन में, ये यहाँ पे शैक्स है सब के सब। बड़ी भाई बड़ी एरिया, बहुत बड़ी एरिया, कल जहाँ पे गए थे उससे तो 4 गुना बड़ी एरिया है ये। बहुत मज़े भाई बहुत मज़े, अभी यही चल रहा है, फोटोशूट वगैरह चल रहा है, रील्स वगैरह। हम लोग ने रूट अच्छा एक कितना था, साउथ गोवा से आई गेस, साउथ गोवा से कुछ तो हम लोग को 80-85 किलोमीटर आना था यहाँ तक, पागा तक हम लोग आने वाले थे पहले, बट प्लान चेंज कर दिया। विंड ब्लास्ट बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, मुझे ऐसे फ़ोन है ना मुंह के सामने लेके आपसे बात करनी पड़ रही है, विंड ब्लास्ट बहुत ज़्यादा है। अभी तक तो फिलहाल बहुत सही है, गाड़ी में आते वक्त भी बहुत मज़ा किया, आपने देखे होंगे कुछ क्लिप्स, बहुत सही, बहुत लड़के भी बहुत मज़ा कर रहे हैं। ये देखो फोटोशूट चालू है यहाँ पे पानी भी चालू है, बहुत मज़ा करे, बहुत मज़ा। गोवा की अलग ही वाइब है यार, अलग ही वाइब, बहुत मज़े मज़े ही मज़े। और हम अभी जा रहे हैं बागा, और डेस्टिनेशन पे वहां से पता नहीं बागा जाएंगे नहीं जाएंगे, पर हम डेस्टिनेशन पे अभी पहुंचेंगे, हमारी बैग डालेंगे जो भी है भाई, सब सब खाली कर देंगे गाड़ी भाई, और इधर से अपन सीधा जाएंगे शैक पे, मस्त मचाएंगे उधर। और अपने साथ है अपना राइडर भाई बाब्या, बाब्या वन एंड ओनली बाब्या। This is Mayuresh, Mayuresh Mavlankar, straight from Konkan. Yeah. This is Vinit, straight from Solapur, Solapur, fakta ticket. And this is Devdar. And LPG. This is Devdar, bhai, bolna tu kutna hai? I'm from Panvel. Panvel, he's from Panvel. Yeah, ye apna baba hai, bhai. Subah se gaadi bhaga raha hai, bhai. Baja de dilaya, bhai.
एकदम पतला शेर बीप आला पहिला बीप आला इकडे बीप टाक ना तू बीप टाक ना नाही भाई जो काय देखो आप सो गाइस चेक दिस आउट ये कुछ ऐसा है अपना रूम इंटीरियर कुछ ऐसा है मतलब बेड किंग साइज बेड टीवी मैच चल रहा है उसके ऊपर एसी और बालकनी भी है व्यू तो अभी दिख रहा नहीं फिलहाल रात हो चुकी है सो व्यू तो नहीं दिखेगा बट दिखा दो फिर मैं आपको एक बार तो ये है बालकनी कुछ नहीं सब काला काला दिख रहा है सो ये देखो ये बालकनी यहाँ पे एक चेयर और ये इतना बस इतना एरिया और पीछे व्यू तो कुछ खास है नहीं पर ठीक है कल सुबह भी दिखाऊंगा आपको व्यू क्या ही आ रहा है सो चुके हम लोग रेडी फुल पावर पार्टी 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 गोवा आया और पार्टी नहीं किया तो हम लोग की सिर्फ पार्टी और पार्टी चालू है हम लोग की पार्टी हो रही है और अब तक का वाइब भाई एक नंबर यहाँ पे अपना सेल्फ है और ये डिसेंट गुड शार्प रूम बहुत ही अच्छा है और आपको जो प्राइस मिलेगा दैट इज सुपर ऑसम प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा सही है हम लोग ने पे किया कुछ तो 7200 रुपीस टू नाइट के लिए 5 पर्सन दो रूम लिया ये एक रूम है दूसरा रूम बाजू वाला है वो भी आपको दिखाऊंगा सो ये चेक करो ये अपनी सेकंड रूम ये टीवी सिटिंग एरिया किंग साइज बेड सेम और इसका शीशा थोड़ा अलग है उसका भी शीशा क्या कर रहा है मी गेलो तो रूम तो टूट देतो तो मी बाथरूम दाखवतोय आत ना आवाज येतोय मी हागायलो बसलो हागायला शपद रेकॉर्ड गेला चालूच आहे The next day. सो गुड मॉर्निंग गाइस गुड मॉर्निंग क्या है अभी बज रहे हैं दोपहर के ऑलमोस्ट 1 बजने को है और ये अपना थर्ड डे इन गोवा सेकेंड डे इन मॉर्जिम अभी हम लोग बाहर आ चुके कल रात में गए आरामबोल बीच वहाँ पे हम लोग ने एंजॉय किया ऐसा लग रहा है कि गलत आ गए यार क्योंकि इलेक्शन का टाइम है इलेक्शन सर पे और आचार संहिता लग चुकी है सो यहाँ पे बीचेस पे लाउड म्यूजिक नहीं बज रहा है हल्का फुल्का म्यूजिक इज अलाउड टिल 10 PM रात के 10 बजे तक ही म्यूजिक अलाउड है कौन से भी बीच पे जाओ सो वो एक थोड़ा डिसअपॉइंटिंग था पार्टी तो हो रही है बट म्यूजिक इतना लाउड नहीं है और 10 बजे के बाद बंद फिर भी हम लोग कल शैक पे रात के आई गेस कुछ तो 2 बजे तक रुके थे पूरा लाइट्स वगैरह बंद किया था हम लोग ने मोबाइल के टॉर्च चालू किए थे यार खाना वगैरह खाने के लिए सो ये वाला सीन है यहाँ पे नाइट लेट नाइट पार्टी या फिर मिडनाइट पार्टी वाला सीन अब भी बिल्कुल नहीं है बिकॉज ऑफ इलेक्शन अभी अपना तीसरा दिन मॉर्जिम में हम लोग आए उड़पी अभी 1 बजे हम लोग ये कर रहे हैं अपना क्या बोलते हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए 1 बजे आए हम लोग सोचो लंच कभी करेंगे मस्त होटल में आए रात में 3-4 बजे तक यहाँ वहाँ की बकर की और फिर सो गए मज़ा आ गया एकदम वैसी तो वाइब है गोवा इज एक अनदर एक्सपीरियंस अनदर वाइब है गोवा में एंटर होती बहुत ज़्यादा मज़ा आता है गोवा में बट वही है म्यूजिक का थोड़ा सा प्रॉब्लम है इस बार मैं 2 बार आ चुका हूँ इस बार थोड़ा सा मुझे म्यूजिक के रिलेटेड प्रॉब्लम लगा ड्यू टू इलेक्शन इलेक्शन के बाद आओ अभी तो मैं बोलूँगा कि रुक जाओ थोड़ा अगर कोई आने का प्लान कर रहा है ना तो रुक जाओ इलेक्शन के बाद आओ पार्टीज मस्त हो जाएंगी म्यूजिक रहेगा डीजे रहेगा लेट नाइट पार्टीज आ हा हा मजा आ जाता है अभी हम लोग है ना थोड़ा मॉर्जिम के बाहर आए उड़पी में एज आई टोल्ड ब्रेकफास्ट करते फिर आज शाम में अपन बागा कवर करेंगे तो चलो जाते नाश्ता करते ब्रेकफास्ट करते सब लोग तो उतर चुके गाड़ी से ब्रेकफास्ट करते पूरी भाजी मैसूर मसाला डोसा मेदवाड़ा मेदवाड़ा उत्तप्पा आ रहा है वाह साला भाई पिज्जा भाई टाकतो ना तू ओरिगानो तरी टाकू मला नको आहे बिल्कुल नको तो गाड़ी यहाँ पे पार्क कर दी हम लोग फाइनली बागा बीच जाते बीच पे जाते मस्त यहाँ पे पहली बार मतलब गोवा आने के बाद 3 दिन में पहली बार इतना लाउड म्यूजिक सुनाई दे रहा है आपको भी आवाज आता ही होगा ये भाई लोग अपनी गाड़ी से उतरे गाड़ी फटाफट लॉक करते और जाते थोड़ा वाइब लेते यार गोवा आए और अपने म्यूजिक ही नहीं सुना लाउड म्यूजिक तो क्या फायदा भाई जाते फटाफट
भाई चेक करो हम लोग बागा बीच पे, और यहाँ की वाइब चेक करो यार। पीछे बैकग्राउंड में म्यूजिक चालू है, कॉपीराइट ना आ जाए भाई। सो फटाफट बात कर लेते हैं, इतना सही व्यू पिछले दो दिन से ऐसा कुछ दिखाई नहीं, ना साउथ गोवा में, ना मोरजिम में, ना अंजुना में, सॉरी आरामबोल में। बागा की वाइब भी कुछ अलग है यार। अभी यहाँ पे थोड़ा सा खेलते हैं, वॉलीबॉल वगैरह लेके आए, थोड़ा सा अभी लेके आए हैं तो थोड़ा सा यूज कर लेते। बाय आराम।